मैं अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का शुक्रिया अदा करूंगा कि मैं पांचवी बार मुझे आशीर्वाद दिया। चुनाव आयोग ने 15 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान किया, जिस पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मतदान से पहले नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, जहां चुनावी माहौल के बीच सपा अपने उम्मीदवारों का ऐलान करने में लगी है। वहीं मायावती की पार्टी भी सपा से पीछे नहीं है। बसपा ने मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट पर अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। मायावती ने कुंदर की सीट से मुस्लिम प्रत्याशी पर दाव चला है। पार्टी की ओर से रफतुल्ला उर्फ नेता छिद्दा को अपना प्रत्याशी बनाया है। रफतुल्ला मूल रूप से संभल जनपद के रहने वाले हैं। वो अब तक 4 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन कभी जीत नसीब नहीं हुई। लेकिन इस बार वो क्या करिश्मा दिखाएंगे, वो बड़ा सवाल है। बसपा प्रत्याशी बनाए जाने पर रफतुल्ला ने बसपा सुप्रीमो मायावती को धन्यवाद दिया। एबीपी न्यूज से बात करते हुए उन्होंने अपनी जीत का भरोसा दिलाया और कहा कि सीट पर लड़ाई के बारे में तो तब पता चलेगा जब दूसरी पार्टी के प्रत्याशी मैदान में आएंगे। देखिए, लड़ाई का पता तो जब मैदान में आएंगे लोग जब पता चलेगा, लेकिन मैं अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का शुक्रिया अदा करूँगा कि मैं पांचवी बार मुझे आशीर्वाद दिया। और लोग जो एक अफवाह उड़ाते हैं कि वो पैसों वालों को टिकट मिलता है, मैं एक आलू का किसान हूँ, छोटा सा, पांचवी बार चुनाव लड़ रहा हूँ, ना ही मेरा कोई उद्योग है ना कोई फैक्ट्री है। कुंदर की सीट पर अभी तक भाजपा और सपा ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन बसपा प्रत्याशी की एंट्री से इस सीट की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। माना जा रहा है कि रफतुल्ला को खड़ा करने से समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ना तय है। खैर, इस बारे में आपको क्या लगता है, क्या कुंदरकी से मायावती के प्रत्याशी सपा और बीजेपी को कड़ी टक्कर दे पाएंगे? हमें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।